यहाँ पे रख देना था पढ़ाई के लिए। स्टैंडर्ड्स में आपका अलग है तो दो तीन दिन सब दिन कुछ ही होगा मेरे बारे में इसको। स्पीकर कानों में लगा वैसे तो कल आप इधर से भी सुन रहे थे बहुत अच्छी है। मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट तुमको नहीं जाती है तुम्हारी आवाज माइक से, तुम ये पीछे रही हो तो बहुत आगे हो गए ना। इसके लगाने से माइक का भी प्रॉब्लम है। What's the time?
दिस इज नॉट गुड. इतना कल भी देखना मैं मिसालिया ने भी कहा था फिर भी बहुत सारे मैसेजेस मिसालिया बी सीरियस में सब कुछ मैंने भी वेटिंग कहा ना स्टूडेंट्स वेट कर Hello. Anji. Someone is there. Yes, Fatma is here. Yes, miss. Tita, you are late today. Aaj quiz bhi hai aapka. Yes, miss. Sorry, wana connect nahi hai class. Issue wala hai. Okay, beta, aap apna. Are you ready for quiz? जी छोटा सा क्विज है पहले वो अटेम्प्ट कर लो उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. कैन यू सी द स्क्रीन? हम यस मिस आई कैन. तो उस जी यू कैन सी योर क्विज. दिस इज योर क्विज. ओके मिस. ओके स्टार्ट आंसरिंग देन आई विल मार्क द नंबर्स. फर्स्ट इज योर एमसीक्यूज. ओके ओके सर फाउंड इन succulent. Yes, succulent organs are found in. Okay, miss. Skin health provider. Better you have to share your screen, Fatima. Kindly. Okay, miss. Okay. Ji. Good. Yes. Okay. Start answering. Hurry up. You have only 30 seconds for this MCQs के लिए. Can't answer? Succulent organs. बेटा कल ही आपने पढ़ा था. Succulent organs are found in. कौन से plants में वो मिलेंगे आपको? ओके फर्स्ट में तो आपको बेटा नो मार्क्स यू आर गेटिंग. ओके नंबर टू एमसीक्यूज देखिए. जी फातिमा नंबर टू एमसीक्यूज रीड करें. स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग स्वेटिंग. जब स्किन जो है वो उस इनका शायद नेट स्लो है आवाज नहीं आई मुझे बोला है लेकिन फातिमा पिता नेट चला गया वो गई है वो डिस्कनेक्ट हो गई है नहीं इसका नेट स्लो हुआ पहले उसने कुछ बोला देन ये बहुत टफ प्रोसीजर है देखो ना टेस्ट है
नेट ना हो तो क्या करेगा तू? लड़के ने तो नहीं ना कल इतना ज्यादा उससे कन्वर्सेशन हुई है मैम साथ में की डांट अप तो नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है ना मैनेज पार्टिसिपेंट क्या होता है आप अकेले ना रहे इनवाइट कर लेने को बोलिए तुमने खुद क्लिक किया ना नहीं क्या आ रहा मैसेज आता है वो देखो ये ऑप्शन का नाम है ना मैनेज पार्टिसिपेंट्स के यहाँ से मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया नहीं बस ठीक है आएगी नहीं तो आएगी तो स्टार्ट नहीं होगी स्ट्रीम भी तो चेंज करनी होगी जी जी बेटा वाईफाई चला के तो मैंने 4G ऑन कर लिया अच्छा जी चलें स्टार्ट करें जी जी स्टार्ट कीजिए फातिमा आ रही है जी जी आवाज आ रही है आपकी मुझे आ रही है आवाज आपकी ओके मिस ओके जी एमसीक्यूज के आंसर्स दीजिए ऑर्गन्स आर फाउंड इन Miss, I think so. B wala. Kaun sa? B wala. Zero fights? Yes, miss. Okay, right. Same, miss. जी जी ठीक है आप क्यों आप confirm नहीं हो बेटा? No, miss मुझे ना last वाले से साथ पर miss confirm नहीं हो रहा था इसलिए. अच्छा चले. Okay okay चले second वाला बताइए. Skin helps in providing by evaporation. Okay, miss, पता लग गया respiration, evaporation, condensation. Skin helps in providing cooling effect during sweating. तो कौन से procedure से cooling effect produce होता है जब पसीना आता है तो? बेटा जल्दी से answer करें आप क्योंकि ना MCQs में इतना time नहीं होता. Miss B. Yes, B. ओके ठीक हो गया ये भी आपने ठीक आंसर किया बाय एवेपोरेशन ओके दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये तो आप मुझे वर्बल आंसर दोगे नेम सम मेटाबॉलिक वेस्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कुछ हमने एक्स्ट्रा भी देखे थे ना मेटाबॉलिक वेस्ट्स उनके नाम बताने हैं आपने मिस कौन से वाले समझ नहीं मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स के अंदर एक तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसके अलावा भी कुछ मटेरियल्स के नाम हमने देखे थे पिक्चर्स भी देखी थी उनकी नेक्स्ट डे तो उनके नाम आप ले दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन मिस वो तो मिस न्यूज़ पे नहीं देखे थे मिस बॉडी के अंदर मिस वो जो था यूरिया वगैरह यूरिक एसिड वगैरह बेटा प्लांट प्लांट बॉडी में बताना आपने प्लांट बॉडी के अंदर जी ओके मिस लेट मी थिंक
एग्जाम बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसके अलावा कुछ और भी नेम्स थे किनके अलावा मिस यस वाटर एंड कार्बन मिस इसके अंदर थे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि समटाइम्स हम प्लांट को जब प्लक करते हैं तोड़ते हैं तो कुछ उसके अंदर से मटेरियल्स निकल आते हैं येलोइश कलर के वाइटिश कलर के ओ मिस वो जो आपने बताया था ना मिस इसका नाम था मिस मुझे याद आ गया मिस वो अक्सर जो होते हैं मिस कांटे वाले प्लांट मिस उनसे भी निकलते हैं मिस मतलब लाइट से वाइट वाइट से होते हैं जी जी बताइए उसका नाम होते हैं I think you can't answer. चलें ये जो short question है इसके तो मैं marks आपको नहीं दूंगी ठीक है but you get the marks from MCQs. Okay. Okay, Hassan. Hassan, बेटा this is your turn. Now, can you see the screen, Hassan? Yes, ma'am. Okay. Okay, read your MCQs. First MCQ. Beta, show your pic to me. Hassan, show your pic. Yes. Okay. The loss of water from plants in the form of vapors is called respiration, excretion. Oh, yes, transpiration. Very good. Okay. Second MCQ. Body balance of water, salt, temperature, and glucose is termed as excretion. Good. Homeostasis. Okay. Your short question is, define homeostasis. Homeostasis may be defined as the, homeostasis may be termed as the balance as the, internal conditions of human body despite of body despite changes in an external environment. Okay. 1.5 मतलब समझेंगे मैं आपको इसमें से 1.5 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 2 ओके व्हाट इज द टेंपरेचर मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेंपरेचर 7 डिग्री सेल्सियस गुड चलें जी ठीक हो गया दिस इज योर क्विज आई विल आस्क मिस सादिया रिगार्डिंग योर रिजल्ट कि रिजल्ट मैंने कहां शो करना है ग्रुप में शो करना है या आपको वर्बली बताना है तो फिर मैं आपको शो करूंगी How much marks you get? Okay, move on to the today's topic. Ji Fatima, what we read yesterday? कौन कौन से topics कल किए थे? थोड़ा सा recall कर लें कल वाला lecture, then we'll start the new one. Screen. Yes, Fatima, are you there? Yes, miss. Osmosis adjustment in plants. Okay, again, homeostasis in humans. Or but. Skin system of. तीनों parts भी आपने कर लिए थे skin, lung. Yes, miss, कर लिए थे. Okay, today we will start. Today we will start the next topic, the urinary system of human being. Or you have to draw the diagram. Fatima, आपने diagram draw करके send नहीं की मुझे. You have to draw the diagram. मैं कर दूँगी मैं इसमें कर दूँगी. बेटा आप भूलते क्यों हैं वैसे by the way I don't know काम करने में आप नहीं मैं सोना काम हर सब्जेक्ट का मिलता जाता है तो मैं सोना इस मिक्सअप हो जाता है. मिक्सअप हो जाता है आप. देखिए हर क्लास के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक होता है उसमें आप अपनी अगर एक डायरी मेंटेन कर लो ना आप उसमें लिख सकते हो और कुछ स्टूडेंट्स तो बेटा उस 20 मिनट्स के ब्रेक में काम कर लेते हैं इतना वो स्पीडीली उनका चल रहा होता है सिस्टम ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं बहुत से बच्चे यू कैन आल्सो डू छोटा सा मैंने काम दिया था सान आप भी देख लें इस यूरिनरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं 4-5 उसको आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होगी ओके ओके जी चलें जी स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम हमारा प्लांट्स में तब आपने देख लिया कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सिंपल सा है उसमें कोई खास ऑर्गन्स ऐसे नहीं है एक्सेप्ट स्टोमेटा एंड सरफेस से डिफ्यूजन हो जाती है जस्ट लेकिन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में वी हैव अ वेरी प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉपर
सिस्टम है एक हमारा, ठीक है, और उसके अंदर बहुत से ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं. वेरी फर्स्ट ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन, यूरिनरी सिस्टम, इज ऑफ किडनी. आप देख सकते हो ये टू किडनीज यहाँ पर नजर आ रही होंगी. इन ह्यूमन बॉडी वी हैव टू किडनीज, ठीक है, दो किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर, और वो अटैच कहाँ होती हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन है ना हमारी, उसके साथ अटैच होती हैं साइड बाय साइड, ठीक है. और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होती है राइट किडनी से, यू कैन सी इट. इसके अलावा यूरिनरी किडनी के अलावा किडनी से आगे ट्यूब्स निकल रही होती हैं नॉन एज यूरिटर. कैन यू सी दिस ट्यूब? यस मैम. यस मैम. दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकल रही है, नॉन एज यूरिटर. यूरिटर विद लीड्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. देखे जहां जहां पे माउस की पोजीशन जा रही है, यू कैन चेक, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. ये वो वाला पार्ट है जहां पर सारा यूरिन कलेक्ट होता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि ये पूरा भर नहीं जाता. व्हेन इट फिल्स विद यूरिन देन वी फील यूरिनेशन, हमें महसूस होता है कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए. एंड आफ्टर दैट बाय द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल ट्यूब यूरिथ्रा वी पास आउट द यूरिन, ठीक है. तो इसके सिंपल से फोर इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से, किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. You get that? Yes, ma'am. जी. इस पोर्शन में तो फिलहाल इतना ही बताया हुआ. If you want to read, you can. हसान, आप रीड करना चाहोगे कि आगे चलें? No, ma'am. Okay, आगे चलते हैं. कहाँ चलेंगे? पीछे आ गए. Structure of kidney. अच्छा जी, अब किडनी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे. You can also make short questions over here. Sometimes as a short question आ जाता है, किडनी का स्ट्रक्चर वो पूछ लेते हैं या उसकी पोजीशन पूछ लेते हैं, साइज पूछ लेते हैं. तो यहाँ पे किडनी का उन्होंने बता दिया. किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड organs. इनका कलर क्या है, इनका साइज क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक, और इनका वेट क्या है. यहाँ ये सारा इन्होंने फर्स्ट टू लाइन्स में दे दिया. इसके अलावा बता दिया ये कहाँ पे पाई जाती हैं, जो है ना वॉल ऑफ, ये जो बैकबोन है उसके साथ पाए जाते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी. इसीलिए अगर अल्लाह ना करे किसी को किडनी पेन हो तो उसको बैकबोन वाली साइड पे पीछे की तरफ पेन महसूस होती है. और पड़े कहाँ होते हैं, ये बैकबोन की साइड पर होते हैं बट इन एब्डोमिनल कैविटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी स्टूडेंट्स? एब्डोमिन, एब्डोमिन का क्या मतलब होता है? एब्डोमिनल कैविटी मीन्स आपका बेली, पेट, पेट वाला हिस्सा थोड़ा नीचे करके, ठीक है. चेस्ट में नहीं होते ये, चेस्ट में नहीं होते. चेस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जबकि एब्डोमिनल कैविटी इज अ लोअर पार्ट, स्टमक वाली साइड. तो ये स्टमक के बैक पीछे की तरफ पड़े हुए होते हैं, जस्ट बिलो द डायफ्रेम, ऑन वन ऑन इधर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम मीन्स हमारा जो रीढ़ की हड्डी है. दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स, हमारी जो रिब्स हैं उन्होंने इसको कवर किया होता है ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके. द लेफ्ट किडनी इज लिटल हायर देन द राइट किडनी. ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ. ये तो इसकी पोजीशन आ गई, कहाँ पाया जाता है इसके. अब हम इसको देखेंगे, व्हाट इज इट्स हमारा. आर यू लिसनिंग मी गाइस? इसके अलावा आवाज नहीं आ रही थी आपकी. अच्छा अच्छा जी, चलें जी, किडनी का अब स्ट्रक्चर देखते हैं दोबारा से. आई शुड मूव टू द मानू, ये मूव करवा दो ऊपर थोड़ा सा. अच्छा जी, किडनी का ऊपर मैंने जाना है, इसकी पिक्चर को देखना है दोबारा से. I just want to see the pic. नहीं, नीचे नीचे नीचे, ज्यादा ऊपर चला गया बेटा. जी जी, इस पे ही रहने थे आप. अच्छा जी, स्टूडेंट्स कैन यू सी द स्लाइड?
यस मैम जी, अब आप हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स, फिर गायब हो गया, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो शेप है वो कैसी लग रही है आपको? इट्स अ बीन शेप, जैसे लोबिया होता है, लोबिया देखा हुआ आपने? यस मैम जी, लोबिया का जी, लोबिया की तरह का इसका शेप है, और इसकी एक साइड बाहर की तरफ आप देखो जैसे उभरी हुई साइड है, और एक साइड इसकी अंदर इस साइड पे गहरी साइड है, दिस इज कंकेव साइड, जैसे वो लेंस, लेंस की वो होती है ना शेप, तो एक साइड इसकी गहरी है और दूसरी साइड से ये मोटा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो जो साइड इसकी कंकेव वाली साइड है, इस पर ये जो आपको मेन ट्यूब एक नजर आ रही है, यूरिटर, जो हमने अभी मेन स्ट्रक्चर में देखी थी, दिस इज अ मेन ट्यूब, येलो कलर की ट्यूब है यूरिटर, और यहाँ पे यूरिन सारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, किडनी में से कलेक्ट होके, और यही साइड पर आप यू कैन सी रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, और यूरिटर से थोड़ा सा पहले का जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज रीनल पेल्विस, इट मींस किडनी की जो कॉनकेव साइड है उस पर सारी ट्यूब्स अटैच हुई हुई है, ऐसे ही है ना? इसकी जो किडनी की जो अंदर वाली साइड है, जो कि गहरी साइड है, जिसको कॉनकेव साइड बोल रहे हैं, इसके साथ सारी ट्यूब्स अटैच हुई हुई है, जबकि अगर हम इसके कॉन्वेक्स साइड पर आ जाएं, बाहर की तरफ आ जाएं, इट हैज थ्री मेजर पोर्शंस, जो सबसे बाहर का उभरा हुआ पार्ट है, इट्स नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। अब ये बार बार रीनल का वर्ड आप देख रहे हो, हर हर लेबलिंग में रीनल नजर आ रहा है, रीनल वर्ड इज रिलेटेड विद किडनी, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कि जरा लाइट कलर में नजर आ रहा है। उसके बाद आप अंदर रीनल कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर कुछ पायरामिड शेप्ड के स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखें पायरामिड कोन टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज रीनल पायरामिड्स, ठीक हो गया। और हर रीनल पायरामिड, काफी सारे रीनल पायरामिड्स हैं, इन पायरामिड्स के सेंटर में जो थोड़ी सी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इज नोन एज रीनल मेडुला। जी हसान, कौन कौन से पार्ट्स मैंने आपको बताए, इसके जरा आप नेम लेंगे इनके? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पायरामिड्स। यस, रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट, रीनल पायरामिड, पायरामिड इससे बोला जा रहा है बिकॉज इट हैज अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, कम से कम ये तकरीबन 8 से 10 पायरामिड होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है, और पायरामिड के सेंटर में रीनल मेडुला नजर आ रहे हैं आपको काफी सारे, ये भी होगा रीनल मेडुला, इसके अलावा नीचे भी रीनल मेडुला हो सकता है, ठीक है। ओके फातिमा, ऑन द कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड की क्या स्पेशलिटी है, इस साइड पर क्या चीजें अटैच हुई हुई हैं? मिस कॉनकेव, मिस रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस और यूट्रस, यूरिटर, यानी कि जितनी भी ट्यूब्स है ना जो कि किडनी से बाहर आ रही हैं, वो सारी की सारी इसके कॉनकेव साइड पर अटैच हुई हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ये अब आप इसको रीड कर लीजिएगा, ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया उसमें ये साथ जो भी हमने अभी इसके नेमिंग ली है ना, वो सारे उसमें रिटन है। ओके, मूव ऑन इट्स फंक्शनल, जो मेन फंक्शनल पार्ट है इसका, जैसे किडनी किस चीज से मिलकर बनी हुई है, कौन से सेल से मिलकर बनी हुई है, दैट इज नेफ्रॉन। क्या नाम है इसका? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जी, नेफ्रोज, ये किस वर्ड से निकला है? नेफ्रोज से निकला है, और इसका मतलब होता है किडनी, ठीक है। और ये जो है बेसिकली इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जैसे दिमाग के ब्रेन सेल्स को हम बोलते हैं ना न्यूरॉन्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको नाम देते हैं न्यूरॉन्स का, इसी तरह किडनी के सेल्स को नाम देते हैं नेफ्रॉन्स का, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, और इसके भी आगे से 2 पार्ट्स हैं। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, नेफ्रॉन किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इसके लिए मुझे आगे थोड़ा मूव कर जाना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड पे। जी स्टूडेंट्स, यू कैन सी, यस यस, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखें किडनी को, अब आप मतलब उसके अंदर अगर मजीद अगर हम डिटेल से देखें तो किडनी के अंदर इस तरह के बहुत सारे 1 मिलियन सेल्स जो है वो पाए जाएंगे। यस हसन, कैन यू सी द स्लाइड?
इंसान आर यू देयर बेटा? इस माइक म्यूट पर है। नहीं बेटा, मैंने तो किसी का माइक म्यूट नहीं किया। हसन आर यू देयर? चले हम मूव ऑन करते हैं। ओके मिस, आई वांट टू सी द पार्टिसिपेंट्स। हसन आर यू देयर? आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। माइक म्यूट है। आगे चले जी, आगे स्टडी करते हैं हम। इट्स ओके। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, जिसमें डिफरेंट हमने पार्ट्स देखे। अब किडनी इज किस चीज से मिलके बनी हुई है? बेसिकली किडनी बनी हुई है नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आप ये कह सकते हो कि नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन को आप देखो, इट्स ऑल्सो अ लिटल बिट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ये पूरा एक सेल है, देखें कैसा सेल है ये। नॉर्मली जो हम सेल पढ़ते रहे हैं वो सिंपल सिंपल राउंड शेप में पढ़े हैं, लेकिन ये सेल आप देखो है एक ही सेल, लेकिन उसकी कितनी सारी डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसका जो सबसे जो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से एक बेसिकली एक ट्यूब है लंबी सी, और ट्यूब एक साइड से जो उसका एक एंड है वो कप की शेप का है। इस कप को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। क्या नाम है इसका? बोमेंस कैप्सूल। मैं रिपीट इसलिए करवा रही हूँ कि इसकी टर्मिनोलॉजी जो है आप बोलोगे तो थोड़ी माइंड में रह जाए। बोमेंस कैप्सूल बेसिकली ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, बोमेंस एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको चूंकि डिस्कवर किया था इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया बोमेंस कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर है, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये जो रेड वाला पार्ट है, दीज आर बेसिकली रीनल वेन्स एंड रीनल जो आर्टरीज हमने पीछे पढ़ा था किडनी में, वो वेन्स और आर्टरीज आपको पता है जब आगे जाके डिवाइड होती हैं तो डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स, उनको नाम क्या दे देते हैं हम, कैपिलरीज का। इस कैप्सूल इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, बहुत सा गुच्छा पड़ा हुआ है कैपिलरीज का। और इनका फंक्शन क्या है? कैपिलरीज आपको पता है कि कैपिलरी लेवल पर आकर ब्लड जो है वो डिफ्यूज होता है, या तो आउट होता है या इन होता है। तो यहाँ आकर ब्लड जो है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इसके पार्ट्स आप देख लो। बोमेन्स कैप्सूल के बाद आगे आप चलो तो दिस इज अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी, बहुत से रोल हुए हैं ट्यूब के, तो उसको नाम दिया गया है नेक्स्ट पार्ट को बोमेंस कैप्सूल के आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल मींस जो बोमेन कैप्सूल के नजदीक वाला पार्ट है ट्यूब का। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है द नियर पार्ट, करीब वाला पार्ट। कॉन्वोल्यूटेड इसलिए बोल रहे हैं कि ट्यूब बहुत सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, और ट्यूब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों भी होती है? जस्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब, इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी है। अच्छा जी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इट्स नोन एज लूप ऑफ हेनले। ये देखें बेसिक पार्ट इसका लिखा हुआ है लूप ऑफ हेनले। यहाँ से ये लूप नीचे की तरफ जा रही है तो इसलिए इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिंब। और ये यू ट्यूब में है, यू शेप में है, पहले डिसेंडिंग लिंब और उसके बाद असेंडिंग लिंब। आई थिंक दिस नो कनेक्शन जी। प्रॉक्सिमल पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आ गया? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के भी आगे से टू है, एक तो डिसेंडिंग लिंब है नीचे की तरफ, और फिर असेंडिंग लिंब ऊपर जो चढ़ रही है दोबारा से ट्यूब, इसको बोलेंगे असेंडिंग लिंब। देन द लास्ट पार्ट इज डिस्टल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल्ड मींस दूर वाला। अब इसको आप फर्क डिफरेंस मेंटेन रखिएगा, डिस्टल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मींस दूर, दूर वाला पार्ट। दूर किससे है ये पार्ट? बोमेंस कैप्सूल से, ठीक है। यस, और एंड पे ये सारी जो ट्यूब है ये सारी की सारी एंड अप होके एक मेन ट्यूब में एंटर हो रही है नोन एज कलेक्टिंग डक्ट जी। अब ये आप देख सकते हो कि ये जो पूरा नेफ्रॉन है, पूरा ये जो सेल है, ये कहाँ पाया, कहाँ पड़ा हुआ है? किडनी के कौन से वाले पार्ट में? रीनल पायरामिड। रीनल पायरामिड के अंदर इस तरह के बहुत सारे सेल्स
रिपीटेडली पढ़े हुए हैं, ये एक सेल नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब शो आपको फिलहाल उन्होंने बड़ा करके एक दिखाया, बट दे आर माइन्यूट सेल्स, और तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सेल एक किडनी के अंदर हमें नजर आएंगे। इसको जरा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ इस सेंस में, किसकी टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज कैप्सूल, यस बोमेंस कैप्सूल। फातिमा नेक्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा, बोमेंस कैप्सूल के जो नजदीक वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस अभी मैंने नहीं बताया, अभी जस्ट मैं इसके पार्ट्स बता रही हूँ, फंक्शंस पे बाद में जाते हैं ना। इसका जो जिस पे मैं अपना पॉइंटर शो कर रही हूँ बेटा, इसका नाम लीजिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं अभी सिर्फ ट्यूब्स के नाम आपको याद करवाना चाह रही हूँ। पहली मतलब जो पार्ट है ट्यूब का वो कहलाएगा बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद जो अगला मिक्स ऐसे कॉन्वोल्यूटेड सा टेढ़ा मेढ़ा सा ट्यूब है ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये आगे जा रहा है यू शेप स्ट्रक्चर में, यू शेप स्ट्रक्चर हसान क्या कहलाएगा? यू शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले यू शेप है, ट्यूब जहां से नीचे की तरफ जा रही है इट्स नोन एज डिसेंडिंग लिप, और जहां से यहाँ जहां से ट्यूब शाबाश मुड़कर ऊपर जा रही है इट्स नोन एज असेंडिंग लिप। एंड फातिमा इसके बाद दोबारा से ट्यूब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इसीलिए इसको दोबारा क्या नाम देंगे हम? डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल मींस दूर वाला, कॉन्वोल्यूटेड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, जैसे पाइप को आप टेढ़ा मेढ़ा करके रख दो। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसके कॉन्वोल्यूटेड होने का? ताकि लेंथ बढ़ाई जा सके पाइप की, इसको लंबा किया जा सके। और उसकी भी रीजन इसलिए है कि यूरिन जब यहाँ से पास होगा, पानी जो पास होगा उसे थोड़ा टाइम मिल जाए, जैसे लंबी ट्यूब होगी ना तो उसमें से गुजरने के लिए उसे टाइम लगेगा, और वो टाइम क्यों ज्यादा चाहिए हमें? ताकि अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, जो भी हमने पानी पिया हुआ अच्छी तरह से फिल्टर हो जाए, एकदम से तेजी से यहाँ से पास ऑन ना हो, बल्कि थोड़ा टाइम लगे पानी को यहाँ से गुजरने में, अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन हो जाए, और जो जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो इसमें इकट्ठे हो जाए, और जो पानी है दोबारा से वापस चला जाए, ठीक है। इसीलिए ये जो ट्यूब है ना नेफ्रॉन की, ये जरा लॉन्ग होती है, और एंड अप इसका क्या है? इन द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अच्छा जी, मैंने अब आ जाए ग्लोमेरुल, ये जो बोमेन कैप्सूल है इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कैपिलरीज का पूरा एक बंडल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो कैपिलरी, ये रेड कलर की जो कैपिलरीज है इसका पूरा बंडल है, इट्स नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक हो गया जी। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर भी आज आपने देखा, और उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, और उसके डिफरेंट पार्ट्स जस्ट अभी आपने पढ़े, अभी इसका हमने फंक्शन रीड नहीं किया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स क्विज तो आपका हो गया, अब नेक्स्ट टाइम क्विज इसी तरह से होगा कि आपको मैं स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दूंगी और आपको एट द स्पॉट आंसर्स करने होंगे। मुझे आपके काम को लेके, मैं थोड़ा काम को लेके वरीड हूँ, टेस्ट तो मैं अब इसका रिजल्ट में सादे से पूछ के बताऊंगी कि कहाँ शो करना है मुझे, आपके ग्रुप में शो करना है या पर्सनली आपको मुझे बताना है। मुझे अब ये बताइए कि आपका जो एक रिजल्ट दूसरा मेंटेन हो रहा है होमवर्क से रिलेटेड, अब उसका सिर्फ फातिमा ने मुझे एक दफा काम जो है वो सबमिट करवाया, उसके बाद हसान का अभी तक कोई काम नहीं है, मुझे बताएं इसका आप सोल्यूशन। यस आज काम मिलने में आज अभी मैं आपको बताने लगी हूँ आज का काम, मुझे प्रीवियस का बता दें, मैंने एक पीडीएफ फाइल सेंड की थी, आप कहते हैं तो दोबारा सेंड कर दूँ। यस मैम वो सेंड कर दूँगी ताकि मैं उसका रिपोर्ट देने से पहले ग्रेडिंग आपकी अच्छी हो जाए। आज का होमवर्क क्या है? किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप, और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, और पिछला यूरिनरी सिस्टम जो मेन स्ट्रक्चर है वो भी, यानी कि तीन डायग्राम्स हैं टोटल आपकी बुक पे, आप देख सकते हो 11.6, 11.7 एंड 11.8।
8, ये तीनों आपने फिगर्स ड्रॉ करनी है. गेट दैट? यस मैम. और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एज वेल, उसके बगैर मार्क्स नहीं मिलते, आधे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपको ये काम देती है. चलें जी, ओके. अपने क्विज नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में इसी तरह कोई एक दिन में रखूंगी या उससे नेक्स्ट वीक में, तो क्विज के लिए प्लीज रेडी रहा करें. ओके फातिमा, फातिमा आपका थोड़ा सा आज कम था, बाकी इंशाल्लाह. ओके ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.